अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। क्या हुआ, क्या कहा छेदीलाल जी ने? क्या कहा? हाँ, वो छेदीलाल चतुर्वेदी जी अपने किसी क्लाइंट के साथ बिजी थे। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं थोड़ी देर के बाद उन्हें फोन कर लूं। कौन? प्लीज वो दोस्ती को आने के लिए हाँ कहते। क्या हो गया है तुझे? ये भी कोई तरीका है बात करने का? वेद, इनसे कह दे कि... मैं वेद से नहीं, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। वेद, इनसे कह दे कि इनके और मेरे बीच की बातचीत को बंद हुए बरसों बीत गए। तेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? इसकी चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। अगर चिंता ही करनी है तो उस समस्या की कीजिए जो बहुत जल्दी इस घर पर आने वाली है और जिसे देखकर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्ली को देखकर कबूतर की आंख बंद करने से उसकी जान नहीं बच जाती। पर भैया, टोस्टी ने ऐसा कुछ मैंने नाम लिया? उसका नाम लेकर कुछ गलत सलत कहा? सब कुछ का नाम लेने से ही समझ में आता है। तो बचपन से यही देखते आए हम इस घर में, जो चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। वो जी रहा है, मर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? भैया, टोस्टी ने स्कूल जाने से मना कर दिया है। आज सुबह हम सब के सामने उसने खुद ये बात कही। सच में? वाह, शर्मा जी को फोन लगा, वो इनसे बात करना चाह रहे थे। नहीं नहीं भैया, इट्स ओके। क्या ओके? क्या ओके? जब मैंने कहा फोन लगा तो फोन लगा। हाँ, मेरी तरफ से माफी मांग लेना। जिसने गलती की हो वो ही माफी मांगे। तो मेरे पास शर्मा जी का नंबर है क्या? कोई लगा के देगा तो मैं भैया, घंटी जा रही है। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा? शाम को जाना है ना तेरे दोस्ती के सहेली की पार्टी में जी। तो यहां से जाने के लिए इनविटेशन दूं तब जाएगा? जा। वैसे तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। सिर्फ आज? अरे तुम नहीं जानती, कॉलेज के दिनों में रोज डे के दिन सारे रोजेस इसी हैंडसम को मिलते थे। और तुम्हें क्या लगता है कि रोज डे के दिन उस टूटे बटन वाले लड़के को इतने सारे रोजेस कौन भेजता था? हा, मुझे तो गिनती भी नहीं है कि कॉलेज में कितनी लड़कियां मुझ पर मरा करती थी। वो तुम थी? तो और कौन थी? तुम्हें क्या लगता है कॉलेज में तुम इतने हैंडसम थे कि सारी लड़कियां तुम्हारी दीवानी थी? सारी लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन एक लड़की ऐसी जरूर थी जो इस टूटे बटन वाले लड़के के लिए तब भी अपने पर्स में सुई धागा रखा करती थी। नाराज भी रखती है। बस बस, जब देखो तुम्हारा रोमांस शुरू हो जाता है, फंक्शन के लिए लेट हो रहा है तेज, और वैसे भी लोहड़ी रात को मनाई जाती है, सुबह नहीं। सो लेट्स गो। हाँ चले। स्मिता, हेलो। हाँ स्मिता बोल। तू आ रही है ना? तेज का भी तो पूछना। तू आ, तेज आ रहे हैं? हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, तेज भी आ रहा है। अब तू फोन रखेगी तो हम लोग जल्दी आ पाएंगे। हाँ ठीक है, ज्यादा भाव मत खा। चल चल फोन रख। हाँ ओके बाय बाय। तेज तुम छोड़ो ना।
प्लीज ना, फंक्शन के लिए लेट हो रहा है और वैसे भी अभी रास्ते में 5 कॉल्स और आएंगे ये पूछने के लिए कि कहाँ पहुंचे हो, कब आ रहे हो। सो लेट्स गो प्लीज। लेट्स गो। या लेट्स गो। लेट्स गो। पिताजी क्या हुआ? ये केस तो मेरा खून पी जाएगा। लेकिन हुआ क्या? अरे वो वकील, अभी अभी उसका फोन आया, अभी का अभी ऑफिस में बुलाया है उसके, कुछ जरूरी बात करनी है केस के बारे में। तू कहाँ जा रहा है? जी वो नितिका के ससुराल में लोहड़ी का। अरे हाँ, तो मैं भूल ही गया था। लेकिन तू अगर वहां जाएगा तो मेरे साथ कौन आएगा? वो अगर नहीं होगा ना साथ में तो पता ही नहीं चलेगा मुझे। वैसे भी वो वकील सब वो कानूनी गोल गोल भाषा में बात करता है, आधी तो समझ में नहीं आती, आधी पल्ले नहीं पड़ती। और पशु को ले गया तो वहीं का वहीं झगड़ा हो जाएगा। दिखता हूं मैं उसे, अभी मना कर देता हूं। पिताजी मैं चलता हूं आपके साथ, टोस्टी फंक्शन में अकेले चली जाएगी। जी पिताजी। अच्छा, नहीं नहीं वो अकेली कैसी जाएगी, शाम का वक्त है, हमारे घर की बहुएं ऐसे अकेली नहीं जाया करती। तुम रुको। वेद, वेद। जी पिताजी। देखो ये टोस्टी की सहेली के ससुराल में कोई वो फंक्शन है ना, वहां उसके साथ चले जाओ। जी मैं? टोस्टी अकेली नहीं जा सकती, शाम का वक्त है, तुम उसके साथ चले जाओ। जी मैं 2 मिनट में आया। आ जाओ। बेटा छेदीलाल चतुर्वेदी जी और बाकी सब कहाँ हैं? पापा एक्चुअली वो लोग नहीं आ पाए, कोई जरूरी काम आ पड़ा था। अच्छा। हैप्पी लोहड़ी। और तेज मम्मा उसका भी आना मुश्किल लग रहा है। पिताजी ने कहा था कि घर की बहू अकेली नहीं जाएगी, इसलिए वेद भैया साथ आए। ओए, तुम वही साड़ी की दुकान वाले हो ना? तुम यहाँ मेरे घर के फंक्शन में क्या कर रहे हो? मैं तो वो, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर पर चले? किसने आने दिया तुम्हें? हाँ चलो चलो निकलो बाहर। आंटी एक मिनट, हुआ क्या है? अरे ये वही साड़ी वाला है जिसने मुझे ठगा था। चलो चलो बाहर निकलो। एक मिनट आंटी, ये मेरे जेठ हैं। अरे टोस्टी वो साड़ी बेचने वालों की बहू है? साड़ी बेचने वालों की बहू मतलब? साड़ी बेचना हमारा फैमिली बिजनेस है, हमारी खुद की दुकान है। मेरे हस्बैंड भी साड़ी ही बेचते हैं। और वैसे भी आंटी काम काम ही होता है। हाँ कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को बड़ा बनाते हैं और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो काम को बड़ा बनाते हैं। और मुझे गर्व है कि इन्होंने अपने काम को बड़ा बनाया। लो। और आंटी जो लोग बिजनेस करते हैं वो कुछ ना कुछ तो बेचते ही हैं। वैसे आपके भाई भी सिम कार्ड बेचते हैं ना?
अरे उसकी तो मोबाइल शोबाइल की गैलरी है। एग्जैक्टली आंटी, वैसे ही हमारा साड़ी का शोरूम है। जल्दी चलिए, आपको मौसी ने बुलाया है। अरे लोहड़ी की तैयारी अभी तक नहीं करी? हाँ, हाँ, सारा काम मैंने ही करना पैंदा। चलो मेरी सास की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। I'm really sorry. नहीं नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? वाह जी वाह, आपका दिल तो आपकी दुकान से भी ज्यादा बड़ा है। I'm sorry भैया। सॉरी वॉरी को मार गोली, हम तो एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करेंगे। चल चलिए आप भी हमारे साथ। चलिए तो सही, चलिए चलिए। कहाँ? यही पार्टी में। जरा खा पी कर मूड बनाएंगे। चलिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे खाने से क्या नाराजगी? चलिए। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा छेदीलाल जी। पशुपतिनाथ जी के ससुराल वाले पूरी तरह अड़े हुए हैं। ये बात तो आप हमें बरसों से कह रहे हैं, अब ये सुनाने के लिए अर्जेंटली आपके ऑफिस में बुलवाया? छेदीलाल जी, जो नई बात सामने आई है उसे सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कौन सी बात? उन्होंने एक लिस्ट दी है जिसमें वो तमाम चीजें लिखी हैं जो शादी के वक्त उन्होंने पशुपतिनाथ जी को दी थी। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने शादी के समय जो कुछ भी दिया अपनी बेटी को दिया, और शगुन के तौर पर जो कुछ भी पशु भैया को दिया वो हम वापस कर चुके हैं। फिर भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उस लिस्ट में कोई ऐसी चीज है जो हम वापस करना भूल गए, तो हम वो लौटा देंगे। वो हक है उनका। हमें उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। उस लिस्ट में एक 5 लाख रुपए का भी जिक्र है, ये कहकर कि उन्होंने वो पैसे आपको आपकी मलाड वाली साड़ी की दुकान खरीदने के लिए दिए थे। झूठ है, सरासर झूठ है ये। उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। मैं जानता हूँ छेदीलाल जी, लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। उन्होंने दावा किया है कि उनके पैसों से आपने दुकान खरीदी थी, और ये वादा किया था कि बहू रानी को भी अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाएंगे। सफेद झूठ है ये दुकान मेरे और पशु के पसीने से बनी हुई है। हम बाप बेटे ने सैकड़ों किलो का बोझ ढोटो के वो दुकान की नींव डाली है हमने। पिताजी प्लीज शांत हो जाइए। अरे लेकिन देखो ना ये, हम देख लेंगे। प्लीज पिताजी, आपकी हार्ट प्रॉब्लम। पिताजी उन्होंने अपनी बात कही और हमने सुन ली। अगर वो लोग हमसे पैसे मांगेंगे भी तो हम कौन सा दे देंगे? ये झूठ है और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, और अगर ये झूठ है तो इसका पर्दाफाश होगा। कैसे साबित करेगा तू? अगर उन लोगों ने ये कह दिया कि ये पैसे उन्होंने कैश में दिए थे तो सबूत कहां से लाएगा? पिताजी सच अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत होता है, उसे किसी और सबूत की जरूरत नहीं होती, और वैसे भी साबित हमें नहीं उन्हें करना है। वो सब ठीक है तेज, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी अगर उन्होंने झूठे गवाह खड़े कर दिए तो उन्हें करने दीजिए वकील साहब, उसका भी तोड़ है मेरे पास। आप एक काम करिए, आप उन्हें नोटिस मत भेजिए, आप उन्हें इस भ्रम में रहने दीजिए कि वो 5 लाख रुपए की तलवार जो है वो हमारी गर्दन पे लटक रही है, क्योंकि जितना बेखबर वो हमारी हालत के बारे में रहेंगे उतनी जल्दी वो घुटने टेकेंगे। पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, सच हमारे साथ है, जीत हमारी होगी। अरे ज्ञान, आजकल चाय बनाने भी भूल गया क्या सब? घर में बहू लाने का यही दुष्परिणाम है, खुद को जो आता जाता है वो भी भूल जाते हैं सब। हाँ भाई मिस्टर इंडिया, कहाँ है तू? भैया तेज आया क्या घर पे? अरे पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना, कहाँ है तू? मैं इस वक्त टोस्टी की सहेली नितिका के होने वाले ससुराल में चल रहे लोड़ी के फंक्शन में आया हूँ। क्या तू वहाँ क्या कर रहा है? पिताजी ने जबरदस्ती भेज दिया टोस्टी के साथ। तेज कहाँ है फिर? आप वो सब छोड़िए भैया, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। आपको पता है नितिका की होने वाली सास कौन है? कौन है? वही औरत जो आज दुकान पे हमसे झगड़ा करके गई। भैया
उसने ना सबके सामने यहाँ पे मुझे बेइज्जत किया। अच्छा? हाँ भैया, उसने मुझे बोला ये साड़ी वाला यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है वो। क्या कह रही थी दुकान पर? कि उसने साड़ी ड्राई क्लीनिंग करवाई है। जब मैंने पूरी साड़ी चेक की तो एक कोने में कपड़ा धोने वाले साबुन का टुकड़ा मिला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि उसने साड़ी साबुन से धुलवाई, तो अच्छी खासे साड़ी खराब कर दी, ऊपर से महंगी वाली साड़ी ले गई फ्री में। छोड़िए ना भैया, क्या उसके मुंह लग रहा? बोल कहाँ है फंक्शन, मैं अभी आता हूँ। नहीं 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 भैया, आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हम क्या बता दिया इनको? तो वो इस साल ना हमने पिछले साल से भी डबल खर्चा किया है लोहड़ी पे। अच्छा जी। हाँ जी। हेलो जी, हैप्पी लोहड़ी भी आ गया। हैप्पी लोहड़ी अंकल जी। हैप्पी लोहड़ी। तू उठता क्या कर रहा है इधर? हैप्पी लोहड़ी अंकल जी। हैप्पी लोहड़ी। अरे पैरी पैर, क्या हाल है? इतने यार एक कनाडा वाले चाचा चाची के पैर तो छू ले। जीते रहो। अरे खुश रहे पुत्र। हेलो जी, अपनी लोहड़ी दा गिफ्ट। आओ जी आओ, आपको दूसरे मेहमानों से मिलवा। तू भी चल। नहीं मेरी बच्ची, नहीं लो, सब देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तुझे पता है कितने दिनों बाद तू दो पल चैन से मेरे पास बैठी। तुझे पता है कितनी दुबली हो गई तू, ना खाती है ना पीती है ना अपना ख्याल रखती। प्लीज टिपिकल माओ वाले डायलॉग मत बोलो। मेरी बेचारी बच्ची कितनी दुबली हो गई है, खाना नहीं खाती, अपना ध्यान नहीं रखती। हे भगवान, मेरी बच्ची पे इतने अनर्थ क्यों कर रहा है तू? मम्मा मैं जैसी थी बिल्कुल वैसी हूँ, 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ है मेरा। अरे आपने बहुत भूख लग रही है, डिंपल कुछ खा के आ जा। भाग जा मां, मेरे को गप्पे मारने दो। डिंपल ज्यादा मत खाना। चुप, इधर देख तो। अब बता मुझे सब ठीक है ना? मम्मा ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है, सब ठीक है और कुछ काम नहीं ना? मजाक, नो मजाक, नो मजाक, मुझे बता। नो मजाक, सब ठीक है ना बेटा? मां सब ठीक। नमस्ते आंटी। केले आई हो? वो तुम्हारे हस्बैंड तेज ना? तेज। वही वही। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? वो एक्चुअली एक काम में फंस गए तो नहीं आ पाए। एक्सक्यूज मी जी। हेलो। सुन लिया आप? हाँ, अब पता चला, इसीलिए गुस्सा हो रही थी मैं। अरे लोग कितनी बार पूछ रहे तेज नहीं आया, तेज आया नहीं। भाई तेज कहाँ है? तुझे नहीं पता बेटा, लोग बेवजह बातें बनाना शुरू कर देते हैं। अरे बातें बनाते हैं तो बनाने दो ना, लोगों का और क्या काम होता है? आप बताओ मुझे। मामा आप ना ये लोगों से दूरी रहा कर, कमाल के फंडे होते हैं उनके। रहन दो आप। हाँ रहन दो, मैं ही रहन दूँ हर बार। ठीक है, ठीक है फिर। साथ में मिलकर लोहड़ी बनाते हैं। क्या हुआ, हीरो को मिस कर रही है? चुप कर जा, नाच। ओके सी यू। आओ